नमस्कार। राजनेताओं का एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करना, तंज कसना, बयानबाजी करना कोई बड़ी और नई बात नहीं है। कब कौन सा नेता किसकी रडार पर आ जाए कहा नहीं जा सकता। इस बार संबित पात्रा को लेकर कन्हैया कुमार का गुस्सा भड़का है। हाँ, वो बात अलग है कि संबित पात्रा पर जुबानी हमला हुआ तो फिर उन्होंने भी तीखा पलटवार किया और अपनी डिग्रियों का बखान कर दिया। लेकिन ये नौबत क्यों आई ये आपको बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में संबित पात्रा को भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी कि ITDC का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी को लेकर कन्हैया कुमार चिढ़ गए। कन्हैया कुमार ने कहा, पता नहीं पात्रा में कौन सा कोहिनूर है जो उन्हें ITDC का चेयरमैन बना दिया गया। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा, डॉक्टर हैं या कौन से कोहिनूर हैं जो इनको ITDC का चेयरमैन बना दिया गया है। स्टूडियो में पार्टी का पक्ष रखते हैं और हुआ हुआ करते हैं। कन्हैया के इस बयान पर संबित पात्रा भी चुप नहीं बैठे और अपनी डिग्री के बारे में बताना शुरू कर दिया। संबित पात्रा ने कहा, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें अपने व्यवहार से परिचय देना चाहिए। मुझसे पहले ITDC के चेयरमैन शंकर सिंह वाघेला थे। जहां तक योग्यता की बात है तो मैंने MBBS, MS, MRCS की पढ़ाई की है। पात्रा ने कहा, 2000 में UPSC की परीक्षा में देश भर में मैंने 19वां रैंक हासिल किया था। उन्होंने कन्हैया पर तंज कसते हुए कहा, मैं उनमें से नहीं जो सरकार के पैसे से 50-50 साल तक थीसिस लिखता रहूं। संबित पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, अगर संविधान में राष्ट्रवाद नहीं है तो क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे दिए जाएंगे? बाहर से 5 लाख मुस्लिम आकर नॉर्थ ईस्ट के टुकड़े करने की बात करेंगे, जेल ही जाएंगे वो। संबित पात्रा ने शर्जिल इमाम का नाम लिया और कहा कि अगर वो देश तोड़ने की बात करेगा तो जेल जाएगा। यहां पर आपको ये भी बताते चले, ये बहस एक न्यूज चैनल के मंच पर हुई। बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को 3 साल के लिए ITDC का चेयरमैन और पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।